Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So, आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर का कॉम्बो। ये टोटली मेरा स्टाइल होगा बनाने का, तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ही ईजी एंड सिंपल। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ एक कुकर लिया है, इसमें मैंने तूर दाल को अच्छे से वॉश करके डाल दिया है। इसमें पानी डालेंगे, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है। स्वाद अनुसार यहाँ नमक डाल देंगे और यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सांभर मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे बॉईल कर लेंगे। दाल जब तक बॉईल हो रहा है तब तक हम इडली का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने इंस्टेंट मिक्स ऑफ इडली लिया है। सो अब हम ले लेते हैं एक बोल, उसमें मैंने 200 ग्राम ऑफ इडली मिक्स डाल दिया है। सो अब हम इसे पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 325 ml ऑफ वाटर। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। दाल भी यहाँ बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। यहाँ मैंने लिया थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, बैंगन और थोड़ा सा लौकी। वेजिटेबल्स को अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर देंगे। अभी दाल में अच्छे से बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसे ढक कर एक सीटी लगा लेते हैं। वेजिटेबल्स भी यहाँ अच्छे से कुक हो चुका है, तो अब हम यहाँ इसमें डालेंगे इमली का रस। यहाँ मैंने 1/2 कप ऑफ इमली का रस लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ सांभर अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक तड़का पैन, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसे अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी उड़द दाल, राई, जीरा और हींग। सांभर में तड़का लग चुका है, तो अब हम इसे ढककर रख देते हैं और इडली को भी स्टीम कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद इडली का बैटर काफ़ी अच्छे से फूल चुका है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अभी हम इडली स्टैंड को अच्छे से ऑयल कर लेते हैं ताकि इसमें इडली चिपके ना। इस स्टैंड में हम इडली बैटर को डाल देते हैं। इडली को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ कुकर में पानी थोड़ा बॉईल किया है। सो अब हम इडली स्टैंड को इसमें प्रॉपरली प्रेस कर देते हैं। अभी कुकर को ढककर हम 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। सो इडली सांभर बनकर हो गया है रेडी। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बना है। सो ये टेस्टी रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा।